नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैसलमेर दर्शन पर। आज हम आपको नोवल कोरोना वायरस, जो कि COVID-19 के नाम से जाना जाता है, उससे बचाव के उपाय बताएंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐप जारी किया आयुष मंत्रालय ने, जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप की मदद से आप अपनी नेचुरल डिफेंस सिस्टम यानी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वो भी आयुर्वेदिक विज्ञान की मदद से वो बताया गया। दोस्तों, आप दिन में जितना ज़्यादा हो सके गर्म पानी पिए, उससे आपकी बॉडी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी बॉडी की, और आप COVID-19 को हरा सकते हैं। रोज योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन कीजिए लगभग लगभग 30 मिनट के लिए, जो आपकी बॉडी को बूस्ट करेगा और आप कोरोना को पूरी तरह से हरा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, घर के खाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का प्रयोग करें। और सबसे ज़्यादा जो आयुष मंत्रालय ने महत्वपूर्ण बताया है और पूरी सरकार ने महत्वपूर्ण बताया, वो कि लॉकडाउन का पालन करें और घरों से बाहर ना निकलें। आप 10 ग्राम च्यवनप्राश रोज लें और हर्बल टी यानी जिसे हम काढ़ा कहते हैं, जो कि तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और मुनक्का से बनी है, उसे 1 या 2 बार दिन में जरूर पिए। और हल्दी का दूध, जैसा कि हमारे वेदों पुराणों में इसे बहुत गुणकारी बताया गया है, तो आयुष मंत्रालय ने इसे भी जारी किया है कि आप हल्दी का दूध लें दिन में 1 या 2 बार, जिससे आपकी बॉडी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप नोवल कोरोना वायरस को हरा सकेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने अभी एक वीडियो रिलीज जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे हम सारी घर की लाइटें बंद करके 9 मिनट तक मोमबत्ती, टॉर्च, दिए व फ्लैश लाइट जलाएं, जिससे हमारे भारत की अखंडता का और यूनिटी का एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। सबसे ज़रूरी बात है कि इस 9 मिनट में हम घर से बाहर ना निकलें, घर पे ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा ना पार करें। इस उपाय से हम कोरोना वायरस को बहुत आसानी से हरा सकते हैं और हम हमारी देश भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।